बॉलीवुड एक्ट्रेस सोनम कपूर पिछले काफी दिनों से अपने प्रेगनेंसी को लेकर काफी सुर्खियां बटोर रही थी। जब से एक्ट्रेस सोनम कपूर ने अपने प्रेगनेंसी को लेकर ऐलान किया था, तब से फैंस उनके बच्चे को लेकर काफी एक्साइटेड नजर आ रहे थे। वहीं दोस्तों आपको बता दें कि बॉलीवुड एक्ट्रेस सोनम कपूर और उनके पति आनंद आहूजा की शादी के 6 साल बाद अब उनके घर किलकारियां गूंजी हैं। दरअसल बता दें कि बॉलीवुड एक्ट्रेस सोनम कपूर बन गई है माँ। वेल दोस्तों खबरों की माने तो बॉलीवुड एक्ट्रेस सोनम कपूर ने एक नन्हे से बेटे को जन्म दे दिया है। इस बात की जानकारी रणबीर कपूर की मां नीतू कपूर ने अपने इंस्टाग्राम पर एक प्यारा सा कार्ड शेयर कर दिया है। एक्ट्रेस नीतू कपूर ने अपनी इंस्टा स्टोरी पर एक प्यारा सा कार्ड शेयर किया है, जिस पर लिखा हुआ है 28/2022 हमने एक खूबसूरत लड़की का स्वागत किया है। सभी डॉक्टर्स, नर्स, दोस्तों और परिवार का बहुत बहुत शुक्रिया जिन्होंने इस जर्नी में हमें सपोर्ट किया है। ये तो अभी शुरुआत है, लेकिन हम जानते हैं कि अभी हमारी जिंदगी पूरी तरह से बदल गई है। सोनम और आनंद, मुबारक हो अनिल कपूर और सुनीता कपूर। वेल दोस्तों आपको बता दें कि बॉलीवुड एक्ट्रेस सोनम कपूर के घर इस नन्हे मेहमान के दस्तक देने के बाद उनके परिवार वाले और उनके फैंस बहुत ज्यादा खुश नजर आ रहे हैं। वेल आपको बता दें कि खबरों के मुताबिक बताया जा रहा है कि माँ और बेटे दोनों भी स्वस्थ हैं। बता दें कि साल 2018 में सोनम कपूर ने आनंद आहूजा संग 7 फेरे लिए थे और अब शादी के 6 साल बाद इनके घर एक नन्हे से बेटे ने जन्म ले लिया है। तो दोस्तों इसको लेकर क्या है आपकी राय, कमेंट सेक्शन में बताना बिल्कुल भी ना भूले और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। सेंटर या 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 करो करो।